आदाब हैदराबाद आदाब नाजरीन दूरदर्शन यादगिरी चैनल के खसूस प्रोग्राम आदाब हैदराबाद के तहत एक मुलाकात में आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं हसी की दुनिया के बेताज बादशाह जिसे आप और हम सैयद समदानी के नाम से जानते हैं इन्होंने आ, हंसी की दुनिया में यानी स्टेज की दुनिया हो या फिल्मों की दुनिया हो इन्होंने मुख्तफ अंदाज के किरदार निभा कर एक लोगों में एक नई शिनाख बनाई और लोग इनको जब भी देखते हैं काफ़ी मुस्कुरा जाते हैं और कह कह भी हैं तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं सैयद समदानी साहब से समदानी साहब आपका बहुत बहुत इस्तबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मैं यादगिरी चैनल देखने वाले सभी नाजरीन और दर्शकों का आदाब नमस्कार सतरकाल कहता हूँ तो और ये चैनल के जितने भी स्टाफ सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बुलाए और ख़ास कर जानी साहब आपका जी जी बरल समदानी साहब गुफ्तु से पहले आ, आपका वेट काफ़ी गेन हो गया है काफ़ी बढ़ गया है तो आपकी शख्सियत के मतलब मैं ये चाहूँगा कि आप परेज कीजिए कीजिए यानी मतलब आप वॉकिंग कीजिए सब वॉकिंग करने की मैं पिछले पंद्रह दिन से कोशिश कर रहा हूँ अच्छा मगर सर्दी इतनी ज्यादा है वॉकिंग तो वॉकिंग साफ पानी नहाना भी मेरे को जो है ऐसा दिख रहा है कि मैं पंद्रह दिन से नहाए नहीं परसों जुमे का दिन था नहाओ बोले तो सूटर पहन के पानी नहा <laughs> अच्छा <laughs> तो सर्दी में आप सूटर पहन के पानी पानी इतनी सर्दी है मैं बोला आप सर्दियों के बाद शायद वॉक अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका है वेट लॉस का तो मैं उसको भाई आप आसानी से देखिए एहतियात भी कर सकते हैं आप एहतियात ये है कि आप नाश्ते में जो दो चपाती दोपहर में थोड़ा सा चावल और सब्ज़ी और शाम में भी जो है कुछ अगर ऐसी स्लाट वग़ैरह खा के अपना वेट लूज़ कर सकते हैं लॉस कर सकते हैं वेट मतलब सिर्फ मेरे को ये परहेज करने से वेट लॉस होता है बिल्कुल सुबह में चपाती चपाती दो और दोपहर दो दो में।, में थोड़ा चावल सब्जी और शाम में आप जो है सलाद वग़ैरह खा के बस अपने दिन का ख़त्म कर सकते हैं ये बड़ा अच्छा मशवरा दिए जानी साहब आप ये कर सकता हूँ मैं मगर ये मालूम ये आप ये मैं खाना खाने से पहले खाऊँ या खाना खाने के बाद <laughs> अरे मैं जनाब खाने का मैंने इसी में तस्करा किया था अच्छा यही खा के हाँ बिल्कुल अरे ये भी कोई जीना जीना है बहरल तो ये ये मजाक की बातें तो होती रहेंगी तो बरहल समदानी साहब दूरदर्शन यादगिरी चैनल के खूशी प्रोग्राम में आप आए हैं तो आ, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो जर्नी है जी आ, वो आप किस तरह देखते हैं इस जर्नी को आपने काफ़ी काम किया है शुरुआत में आडियो कैसेट्स से आपने अपने करियर का आगाज़ किया था जिसमें चुटकुले लतीफ़े या जोक्स वगैरह पेश करना और फिर उसके बाद फिर आपने स्टेज संभाला उसके बाद फिल्मों में भी आप लगातार अपने छोटे छोटे रोल्स निभाते हैं अब जर्नी का देखिए साहब ऐसे हुआ शुरुआत में यानी कि मैं तो ये कहूँगा जानी साहब के बचपन से मेरे को एक शौक़ था आसपास के माहौल को महसूस करना और उसको जो है दोस्तों में सुनाना करना जी तो फिर ऐसे ही फिर स्टेज प्रोग्राम देखते थे तो फिर वहाँ पे जाने का शौक हुआ तो फिर मैं ड्रामा लिखा सबसे पहले मैं अदरक के पंजे ड्रामा देखा अच्छा उसके बाद मैं एक ड्रामा लिखा था एट्टी नाइन में अच्छा के डल्ले वो गांधी भवन थिएटर में हम लोग किए मेरे कुछ स्कूल के साथी वगैरह बस वहीं से सफ़र की शुरुआत हुई स्टेज के अच्छा जी और फिर वो शोज़ हम लोग करते थे थिएटर का ज़माना था और टिकट खरीद के भी लोग आते थे इसको निज़ामबाद वगैरह डिस्ट्रिक्टों में भी हमने किया अच्छा हाँ उसके बाद अहमद अलबेला बोलकर हैदराबाद के एक कॉमेडियन थे अभी इस दुनिया में नहीं है उन्होंने मुझे एक जगह पर सुना तो फिर उनका उस दौर में कैसेट की दुनिया में बहुत नाम था एक तोती बोलती थी जी तो अहमद तलबेला साहब ने मुझसे कहा कि भाई आप अच्छे तरीके से जोक्स वगैरह भी बोलते हैं और कुछ माहौल के ऊपर खाके वगैरह भी लिखते हैं तो क्यों ना यार आडियो कैसेट में जो है कुछ आपके आइटम रिकॉर्ड करें तो फिर उन्होंने बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है कोठी पे कंपनी थी आडियो कैसेट की वो लोग कैसेट बना के जो है मार्केटिंग करते थे तो वहाँ पर मेरा तारुफ करवाए तो वहाँ से कैसेटों का सिलसिला शुरू हुआ फिर आपके यादगिरी राव जी बोल के थे कोठी पे ये मायागारी में जो कैसेट रिलीज हुई तो उन्हीं कंपनी की कंपनी से चलिए लिंगराज साहब तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी दिन वो, वो रेडियो स्टेशन जो है कोई नाम जहन में नहीं आ रहा अमृतवानी शायद सिकंदराबाद में तो वहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग पहले थी उसके बाद लिंगराज साहब की थी ओके तो बहरहाल वो कैसेटों का दौर था तो वहाँ से कैसेटों का सिलसिला शुरू हुआ तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की पसंदगी अल्लाह का करम के मेरे सत्ताईस कैसेट मुख्तलिफ़ कंपनी से रिलीज हुए मैं और अहमदलब अच्छा ये तो ये सिलसिला सत्ताईस कैसेट के बाद हुआ ये हमारे साथ के आखिरी में आडियो कैसेट थी ख़त्म हो गई <laughs> <laughs> सीडी का दौर शुरू हुआ सा सही बात जी हाँ तो सी का दौर शुरू हुआ तो फिर वहाँ पर भी हमको काम मिला सबसे पहली हमारी सी बनाए थे हैदराबाद के मस्खरे बोल के अच्छा आ, ये सुपर मूवी प्लेनेट ओके चार मीनार उनके पास एक हैदराबाद के मस्करे और मॉस के छिलके अच्छा ये दो डीवीडी उन्होंने रिलीज किए अच्छी मार्केटिंग हुई उसके बाद प्रतिमा डिजिटल जी एक संजय किंगी बोल के एक्चुअली उन्होंने तो गिटार तो उनका रिकॉर्डिंग स्टेडियो था उस जमाने में जब ऑडियो कैसेट हम रिकॉर्ड करने जाते थे तो उनको भी इंटरेस्ट हुआ यार चलो मैं इस आ, मतलब इस फील्ड में इन्वेस्ट करता हूँ और मैं भी वो करता हूँ तो प्रतिमा डिजिटल फिल्म के नाम से उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा के सबसे पहला मौका हमको दिया अच्छा तो वहाँ से मेरी दामद चाहिए किट्टी पार्टी और एक पांच छह सीडीज़ जो है उन्होंने समदानी भाई एमबीबीएस वगैरह ऐसे जो है कैसेट बनाए तो माहौल के हिसाब से हम उसमें काम किए कुछ चले अच्छे खैर तो। खैरबरल ये तो हम बातें करते रहेंगे जब आपने जिक्र किया आडियो की दुनिया का और बहुत सारे अपने एल्बम्स तैयार किए और लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया तो कोई ख़ास आइटम जो हमारे नाजरीन को आप सुनाना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम में मैंने एक जोक बनाया था कि ये जो भी उम्मीदवार ठहरता है जो भी कैंडिडेट ठहरता है तो उसको जो है साल में एक मतलब पाँच साल में एक ऐसा वक्त आता है साहब कि वो कैसी भी बस्ती में तो सलम बस्ती में एक साहब स्पीच दे रहे थे जो कुछ काउंसलर वगैरह के टिकट लेके खड़े थे जी जी तो वहाँ पर साहब मच्छरों की इतनी तैदा है ज़िंदगी में पहली बार आए जब मच्छर उनके मुँह में जा रहा था <laughs> तो स्पीच कहाँ से कहाँ पहुंच रही थी <laughs> तो उस टाइप का आइटम है पैंतीस साल पहले रिकॉर्ड किया था अच्छा, क्या आपने वो पुरानी याद मेरे को ताजा करवाई तो मैं कुछ सुनाने की कोशिश करता हूं अगर उसमें कुछ वन्नीस बीस हो गया तो मैं नाजरीन से पहले माफी चाहूंगा फिर आपसे भी <laughs> तो आइटम कुछ इस तरीके से तय देखिए साहब कि ये लीडर लोग जो है मस्ती में भी चले जाते हैं नालों में भी चले जाते हैं पाँच साल में एक मरतबे अब ये कचरा कुंडी के पास ठहरे में है वहाँ पे स्टेज डाल दिए कर दिए वहाँ पे तकरीर चल रही है जी स्पीच दे रहे हैं स्पीच दे रहे हैं तकरीर कर रहे हैं देखिए किस अंदाज में मच्छर मुंह में जा रहा है ये बात का जहन में आप बिठा लीजिए कि मच्छर मुंह में जा रहा है स्पीच कहाँ से कहाँ पहुँच रही प्यारे भाइयों मैं इलेक्शन का टिकट लेने जब गया तो लोगों ने मुझे देखा और देखते ही मेरे मुँह पे मच्छर चलेगा अच्छा और फिर मैं अपने घर गया और मेरी बीवी से कहा कि अबकी बार मैं इलेक्शन में ठहर रहा हूं तो मेरी बीवी ने कहा कि तुम इलेक्शन में ठहर रहे हो आप यकीन मानिए एक बार मुझे इलेक्शन जीत के असम्बली भेजिए उसके बाद देखिए वहां बैठे हुए तमाम एम मुझे देखते ही आ गई दे तो मुझे बोलना। <laughs> तो ये मच्छर जो है उनके मुंह में बार बार जाता था और जो है स्पीच में अपना रंग बताता था। उस टाइप का पैंतीस साल पहले का आइटम था जो शायद मैं वो अंदाज में आपके सामने नहीं सुना सका अच्छा क्योंकि okay. काफी वेट भी बढ़ गया आपका और उम्र का तगाजा भी है आप पैंतीस साल पहले जीए, जीए, बड़े छरेरे थे अरे बिल्कुल साहब बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था वो पैंतीस साल पुरानी फोटो परसों मेरे बी के हाथ को लगी अच्छा तो मेरे नवासे को बुला के बोली ये है देखो बेटे तुम्हारे नाना बच्चा फोटो गौर से देखा जानी साहब देख के बोला ये नाना है फिर ये मोटला कौन है जिसको हम नाना बोलते मेरे हाल वो पैंतीस साल अच्छा है वो हुआ करते थे हम जी तो बहरहाल बहुत प्रॉब्लम होती साहब ये मोटापे की वजह से अब देखिए ना आप अब ये शर्ट देखिए आप इस पर कितने धब्बे वगैरह दिख रहे हैं आपको मैं बोला आज दूरदर्शन केंद्र पे बहुत बड़ा नेशनल चैनल है वहाँ पे जा रहा हूँ कम से कम तुम एक काम करो सर्दी ज़्यादा है तो वॉशिंग मशीन में डाल के निकाल दो तो भाई भी बोल रही मेरी वाशिंग मशीन कपड़े धोने के वास्ते है ये डेरे शामी आने नहीं धुलते इसमें तो ये प्रॉब्लम हो रहा है अब मैं शेविंग भी घर में बना के आया अच्छा मैं बोला भाई इतना बड़ा प्रोग्राम में मेरे को बुला रहे हैं तो मैं बोला दाढ़ी वाढ़ी बना के थोड़ा स्मार्ट तो बन के जाओ अब वेट का तो कुछ कर नहीं सकता अच्छा तो साफ शेविंग बनाने के लिए जैसा हेयर स्टैलून पहुंचा तो वहां पर मेरे मुंह पे दोनों दरवाजे बंद कर दिया उसने अच्छा बोला क्यों भाई नहीं साहब आपका शेव नहीं करता मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ आप पिछली मरतबे बनाए थे मेरे पास अरे मैं बोला भाई पिछली मरतबे पैसे दिया आप दाढ़ी बना आज भी पैसे दे रहा हूँ तुम्हारे पैसे नको तुम्हारा काम नको साहब हाँ छे छः वस्तरे मुंडो का इससे पहले बनाया तो आठ आठ आदमी का टाइम खा जाते तुम तो इतना बड़ा मुंह लेके कर फिरते जी शर्म नहीं है क्या बोल रहे बड़ी प्रॉब्लम होती सर अच्छा ये हाँ तो ये प्रॉब्लम होती है ये मोटापे की वजह से साहब अभी क्या बताऊँ मैं आपको अभी एक दो साल पहले तीन साल पहले गांव में मेरे साली के लड़की की शादी थी अच्छा ओ साहब मेरे को बुलाए दावत में हम लोग सुबह सुबह पहुंच गए ट्रेन से अब सुबह का खाना हो गया दस बजे खाना वाना खाए तो मेरे साड़ू साहब क्या बोल रहे हैं कि भाई चलो मैं अपना खेत घुमा के लाता हूँ उनको खेती बाड़ी के लोग हैं तो अब हम हैदराबादी एक तो वेट ज़्यादा चलना मुश्किल है मैं बोला नहीं भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ मैं सो जाता हूँ नहीं खा के सोना नहीं इसीलिए तो आपका वेट बढ़ा चलिए चलिए बड़े शौक से लेके जाके खेत पूरा घुमा के लाए साहब आज तीन साल से बम मार रहे हैं जिस दिन से आप खेत में घूम के गए घास का तिंका नहीं उठा <laughs> तो वेट की वजह से बड़ा प्रॉब्लम होता है साहब अभी परसों एक प्रोग्राम के लिए बेंगलोर बुलाए जी एक कोविड के बाद का वाक कोविड में पूरा बंद था सब लोगों हाँ, प्रोग्राम खत्म सब खत्म हो गए थे तो मेरे को फोन करें वहाँ के ऑर्गेनाइजर नवीद पाशा आपने भी उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स किए बड़े जी बिल्कुल तो बोले भाई समझा भाई क्या कर रहे हैं माला भाई कुछ नहीं घर में हूँ कोविड का मौसम है बाहर निकलना मना है घर में क्या कर रहे हैं अरे माला कुछ नहीं कर रहे भाई दो दो गज़ की दूरी बनाए रखे हुए हैं कुछ नहीं कर रहे हैं <laughs> अच्छा। तो आइए प्रोग्राम है मेरे हाल वहाँ पर प्रोग्राम में बुलाए उन्होंने तो अच्छी होटल में ठहरा करें नवीद भाई बड़े प्रोग्राम करते तो मैं बोला चलो घर में तो रोज़ाना बाल्टी में पानी ले लोटे से डाल रहे नहा रहे आज स्विमिंग पूल भी है होटल में तो स्विमिंग पूल से एंजॉय करेंगे स्विमिंग पूल में जैसे डाइफ मारा साहब पानी पूरा बाहर <laughs> और फिर वहाँ पर अपने रूम में गया रूम बाय को बुलाया मैं बोला भाई ये कपड़े प्रेस करवा के ला बोला नहीं होता साहब बोला क्यों बेंगलुरु में कपड़े प्रेस नहीं होते बेंगलुरु में कपड़े प्रेस हो रहे ना साहब हाँ। ये शतरंज <laughs> ये ब्लैंकेट ब्लैंकेट कौन करेगा <laughs> तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है मोटापे की वजह से आप यकीन मानिए जी 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 तो बहर कोशिश कीजिए आप वेट लॉस करने, करने की।, की कोशिश किया हाँ आप अभी तो सर्दियों का मौसम है भागने नहीं होता सर्दियाँ जब नहीं थे तो जब वॉकिंग करने का इरादा करके सुबह सुबह निकला साहब हाँ सुबह सुबह जैसे वॉकिंग के लिए मैं निकला एक नौजवान लड़का बाइक लेके आया आके मेरे बाजू रोक दिया अच्छा रोकने के बाद बोला अंकल बैठो अरे मैं बोला बेटे सॉरी मैं आपको पहचानता नहीं बोला अंकल मैं आपको पहचाना वो प्रोग्राम में देखा था वो आप हमारे चाचा की फंक्शन में बहुत अरे मैं बोला चलो या तो ये लेके जाएगा कोई प्रोग्राम देगा या नहीं तो कुछ गिफ्ट देंगे या कोई तोहफा देंगे बोल के मैं पीछे बैठ गया अच्छा जानी साहब अस्सी की स्पीड में लेकर गया उन्हें अच्छा अस्सी की स्पीड में लेके गया लेके जाके टोली चौकी के आगे एक गली में घुसा सामने डोर के ऊपर गाड़ी वहाँ पर डोर के सामने गाड़ी रोका रोकने के बाद दन दनाते हुए गया मैं गाड़ी के पास ही खड़ा हुआ हूँ जाने के बाद डोर पे लाता मार रहा हाँ। एक खोलो एक खोलो मतलब ये कौन तरीका है साहब इसका दरवाजा खुलवाने का खोलो अच्छा। रात में बहुत बोल रहे थे पहलवान को लाओ लड़ो कहते <laughs> पलट के देखा साहब गाड़ी लेके उन्हें खैर अंदर से चार पांच निकले साहब हाँ। और साहब मैं बोला मेरे को मैं तो ऐसे हो गया मैं कहाँ लड़ सकता हूँ साहब हाँ। मगर फिर भी मेरे अखलाक मेरी बातचीत ऐसी हाँ, थी हाँ। कि मैं वहां से सीधा अपने घर आराम से पहुँच गया मेरे अखलाक की वजह से मेरे अखलाक बहुत अच्छे हैं साहब वजह क्या है अखलाक क्या है इसकी वजह ये है साहब ना तो मैं किसी से लड़ सकता ना तो भाग सकता अगर अखलाक भी अच्छे ना हो तो सोचिए आप तो सॉरी वल के आ गए हैं आप जी बिल्कुल साहब <laughs> अखलाक से काम लीजिए लड़ाई झगड़े से बचिए सही बात है बहरहाल हाँ बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं जी साहब तो अभी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा जो आपने स्टेज पर भी काफ़ी काम भिल्कुल, किया भिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल साहब और अगर बात करें हम तो स्टेज का जिक्र करें जी तो जी पहले के दौर में जो स्टेज प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे प्लेज भी हुआ करते थे तो उसका तस्करा आप जरूर करें क्योंकि आप ऑडियो की दुनिया से आपने आगाज किया लेकिन स्टेज की दुनिया से किया था साहब आइडियो फिर बाद में अच्छा और फिर आइडियो के बाद फिर स्टेज की दुनिया में मेरे को ज्यादा काम मिला ओके तो स्टेज की जो दुनिया है अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है क्योंकि तो शोज कम हो रहे हैं तो थोड़ा तो सा हमें बताएं बहुत ज्यादा तब्दीलिया आ गई साहब उस जमाने में ड्रामे जो चलते थे आपको तो मालूम ही है कि हैदराबाद का हमारा एक ड्रामा था अदरक के पंजे जी जी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया उस ड्रामे में भी मुझको काम करने का मौका मिला तो वो ड्रामा वो ग्रुप के साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से पूरा हिंदुस्तान फिरा हूँ अच्छा तो आपके बॉम्बे पुणे बाल पुणे का एक बहुत बड़ा थिएटर है जहाँ पर जी। आ, अपने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार जो है वहाँ पर अपने ड्रामे अपने प्ले पेश करते हैं तो वो थिएटर नासिक का कालिदास कला मंदिर ऐसे बहुत यादगार थिएटर हैं जो जहन में आज भी वो बहुत ही सुनहरा वक्त था, था। गोल्डन पीरियड जिसे सिर्फ याद किया जा सकता और उन यादों को महसूस करके खुश हो सकते आज का दौर ख़त्म हो गया क्योंकि आज इतनी सहूलतें होने के बावजूद जानी साहब एक चीज़ ख़त्म हो गई मैं महसूस कर रहा हूँ मैं अपनी जगह वो है सुकून इतमान क्योंकि आज कोई प्रोग्राम अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहेंगे तो ये होगा कि पहले उसकी टाइमिंग देख लेना है अरे दस मिनट का आओ कौन देखते भाई ये दो मिनट का तीस सेकंड का है ये देखते हैं और पंद्रह सेकंड देख के उसको भी बंद कर देते ऐसा लोगों का जहन हो गया क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं है उस ज़माने में हम ड्रामा करते थे तो लोग वक्त से पहले टिकट ख़रीद के आके बैठते थे बाबा एक बुकिंग्स भी मैं करता था उस ज़माने में अदरक के पंजे वक्त से पहले मेरे को भेज देते थे तो एडवांस बुकिंग होती तो चार्ट रहते थे उसमें बाबा अपनी पसंद की सीटें जो है बुक करवाते थे देखने वाले जो दर्शक ऑडियंस जो होती थी भाई हमको जो है ए रो में ये सीट चाहिए ये सीट चाहिए वो शौक़ था वो पैसा लेकर जो है उस तरीके से आके वो लोग टिकट खरीदते थे लेकिन आजकल तो फ्री शोज़ भी रखे तो हाउसफुल की कोई गारंटी नहीं है साहब ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ अब उसके बाद इवेंट्स कंपनीज वगैरह के कुछ प्रोग्राम्स चले जाते हैं जिसमें नामवर फनकार तो थिएटर का जो ड्रामों का दौर था हमारा वो ख़त्म हो चुका है तो तकरीबन नहीं जब आपने ज़िक्र किया कि वो दौर जी सिर्फ यादगार के तौर पर हम देख सकते हैं बेशक तो क्या वजह रही होगी क्या ऑडियंस में तब्दीली जो आई है जी। वो क्यों क्या हमारे पास वो कंटेंट एक तरह का होने की वजह से या फिर वो आर्टिस्ट वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं आप क्या मानते हैं मेरा मानना यह है सब दो वजह है एक तो ऑडियंस का रिस्पांस नहीं मिल रहा जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लोगों के पास टाइम नहीं है सुकून खत्म हो गया सहूलतें के बाद और सहूलतें इतनी हो गई है कि मतलब आप कहीं पर भी बैठ के अब थिएटर्स भी कई बंद हो गए हैं हैदराबाद में मैं तो समझता हूँ एटी नाइनटी परसेंट थिएटर्स ख़त्म हो चुकी हैं लोगों के पास टाइम नहीं है एक चीज़ मेन और दूसरा क्या है कोई जाके अपना जो है कीमती वक्त दो घंटे दे के थिएटर में आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस को देखे वो करे हम लोग दस दस दिन रिहर्सल करते थे पंद्रह पंद्रह दिन रिहर्सल करते थे एक एक कैरेक्टर की पंद्रह मिनट का सात मिनट का कैरेक्टर होता था तो उतनी मेहनत करते थे तो अब फनकारों के पास उतना टाइम ही नहीं है कि वो मेहनत करें वो स्टेज पे परफॉर्म करें उसकी वजह यह है कि उससे हासिल कुछ भी नहीं है यानी कि पैसा मिलता नहीं और हर कोई बिजी है महंगाई इतनी हो गई है कि हर एक को जो है अपना घर चूल्हा चलाना है तो वो हिसाब से लोगों के पास वक्त नहीं है कि इतना वक्त थिएटर को दें अगर दें तो फिर उसका रिटर्न कुछ नहीं है नहीं अगर ऐसा होता रहेगा तो थिएटर दम तोड़ देगा आर्टिस्ट आना बंद हो जाएंगे क्योंकि एक जो शौक़ होता है शौक़ के साथ साथ अगर आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है आपको आ, सर्वाइंग करने के लिए या मतलब अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करने के लिए भी अगर आपको पैसा नहीं मिल पाता है तो आर्टिस्ट कहाँ आएगा तो ये तो बहुत बड़ी परेशानी वाली बात बिल्कुल है बिल्कुल साहब हैं कुछ लोग हैं जो अपने इस फन को जो इबादत समझते हैं फन को एक शौक समझते हैं वो लोग अपने कुछ दूसरे बिजनेस में अपने आप को बिजी रखते हुए भी इधर वक्त देते हैं जिसकी मिसाल आपके सामने बैठी हुई जी, जी, नहीं वो मैं भी है। कोई दूसरा बिजनेस करते नहीं।, अपने इसमें नहीं है ठीक है लेकिन मेरा जो सवाल था आपने अधूरा का अधूरा रखा अगर ऐसा होता रहेगा तो देखिये कोई स्टेज शोज नहीं होंगे जी बिल्कुल आर्टिस्ट नए नहीं, नहीं आए नहीं आ पाएंगे बिल्कुल देखिए आप हमारे हैदराबाद में मैं कहीं दूर नहीं जाता मराठी ड्रामों का एक दौर चलता था महाराष्ट्र में हम लोग कहीं पर भी शोज़ करने जाते चाहे वो नासिक हो पुना हो बॉम्बे हो वहाँ पर हमको जो है यानी थिएटर में डेट्स नहीं मिलती थी ऑलरेडी बुकिंग्स रहती थी, थी उसमें मतलब इतना क्रेज था ड्रामों का तो कैसे भी डेट मिले तो हर शो हाउसफुल होता था 80 परसेंट नाइन्टी परसेंट तो कंपलसरी होता ही होता था लेकिन आजकल नहीं हो रहा है तो करने की हिम्मत कौन करेगा साहब मतलब उस जमाने में ड्रामे होते थे अदरक के पंजे डेढ़ मत वाले रंग रंगीले किराए के टट्टू दुल्हे बिकते हैं ये हैदराबाद के ड्रामे प्यास के छिलके जाद लतीफ़ी साहब का हंगामा हंगामा और बहुत सारे आपको भी बहुत सारे याद होंगे हाँ तो इसमें से देखिए आप कोई प्ले है क्या आज उसकी वजह यही है या तो आर्टिस्ट और आर्टिस्ट अगर आप पूछेंगे जैसे कि एक डॉक्टर है तो उन्हें ये ख्वाहिश करेंगा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर है तो इंजीनियर ही ख्वाहिश करेगा कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने अगर आप किसी आर्टिस्ट से पूछें कि भाई आप थिएटर ड्रामे करते थे आप अपने बच्चे को क्या थिएटर आर्टिस्ट बनाएंगे उन बोलेगा नहीं भाई मैं तो अपनी ज़िंदगी पूरी बत में गुजार दिया अब ये भी थिएटर आर्टिस्ट बन के नहीं ये किसी और फील्ड में जाए तो ये हो गया और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि उसका रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर ख़त्म हो गया तकरीबन दौर ही ख़त्म हो गया देखिए आप कहा शो होगा यानी विरासत के मिले इस फन को लोग आगे ले जाना नहीं चाह रहे हैं जी हाँ। बल्कि अपनी औलाद को किसी और, और फील्ड किसी और फील्ड हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बड़ा प्रॉब्लम है बहरअलखर ये तो गुफ्तु होती रहेगी कोई और आइटम आप क्योंकि यहाँ पर आप आए हैं तो इसको हम मौके गनीमत हारज कर सबसे तो पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि दूरदर्शन यादगिरी चैनल पर आप मुझे बुलाए और मेरे को बोलने का मौका दिए आप यकीन मानिए यहाँ पर बैठ के बोलना तो दूर की बात है मैं दूरदर्शन चैनल बचपन में देखने के लिए दूसरों के घर जाया करता था क्या बात क्योंकि टीवी बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था सही बात उस ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी और वहाँ पर बैठ के इंतज़ार करते थे हम लोग कि चैनल खुलता था उसकी एक टाइमिंग हुआ करती थी आजकल देखिए आप टेंग ट रिमोट बस उंगलियाँ आपके बटन पे चेंज होते जा रहे हैं यानी कि जहन इतना हो, वो हो गया कि किसी चीज़ को देखना ही नहीं हम लोग वो तमाम चीज़ें देखते थे जब दूरदर्शन खुलता था वो एक तरह के दो उसका जो ट्रेडमार्क है आज भी लोगों वो वो लोगों जो है घूमता था करता था तो वो भी देख के हम लोग इन्जॉय करते थे था। क्या बात आज से पैंतीस चालीस साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं तो मतलब इतना कुछ दूसरा आए थे ही नहीं देखने के सही की एंटरटेनमेंट के कोई नहीं। जरिया नहीं था फिर सिर्फ दूरदर्शन ही था हमारे लिए एंटरटेनमेंट था फिल्म आती थी वीकली वी, वी, वीकली फिल्म आती थी तो बहरहाल आज ये चैनल पर मेरे को आप बुला के बोलने का मौका दिए इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्र गुजार हूँ और तमाम ये दूरदर्शन यादगिरी के सभी स्टाफ का मैं थैंक्स कहता हूँ धन्यवाद कहता हूँ और देखने वाले सभी नाजरीन को कि मैं देर आया दुरुस्त बहुत बड़ी ख्वाहिश थी आ गया अरे आ गया आप लेकिन मेरी जो ख्वाहिश है जी और ऑडियंस की भी ये ख्वाहिश है कि आप कोई आइटम जरूर सुनाएं कॉमेडी आइटम मेरा एक दोस्त था एलिया अच्छा उन्हें जब भी उर्दू बोलता था हम लोग बहुत इंजॉय करते थे अच्छा उसको उर्दू उन्हें अब उन्हें क्या करें उसको लेके जाके तकरीर कर रहे भाई बोले अच्छा अब उन्हें इलेक्शन में ठहरा हुआ है तकरीर कर बोले तो अरे मैं तकरीर करना होता हूँ तकरीर करना मगर सब सुनने वाले उर्दू है तेलुगु किसको भी नहीं आता अच्छा हम लोग बैठे तो, तो बहरहाल उसको चढ़ा के बुला लिए स्टेज पे वो इलेक्शन में ठहरा था तो वहाँ पे वो एरिया में तकरीर कर रहे उन्हें हमारे लिया साहब पब्लिक जमा हो गई ज़रा तकरीर करो वहीं क्या बोलना रहे भाई वहीं हैदराबाद में पैदा हुए पन के मेरे को उर्दू खींचने बोले तो बहुत तकलीफ होते <laughs> अरे आप है तकरीर करो लोग सुनने के बढ़ ले तो यार आप मैं क्या बोलना रहे हो भाई मैं हैदराबाद में पैदा हुए पन की उर्दू खींचने को तकलीफ हो रहा मेरे को मैं उर्दू में तकरीर करते मैं हाँ. उर्दू में तकरीर कर रहे मैं कुछ भी गलती कर रहे तो मैं तुम लोगों को माफ कर देते अच्छा मैं इलेक्शन में खड़े इलेक्शन <laughs> में खड़े बोले तो खाली खड़े नहीं बैठे घर को गए खाना खाए सो गए की वही इलेक्शन में खड़े अच्छा मई सो पहले भी इलेक्शन लड़े लड़े बोले तो किसी को गाली नहीं दिया किसी का गला नहीं पकड़े किसी को मारे नहीं की वही इलेक्शन लड़े आपके इलेक्शन आ रए तो मैं मर जाता हूँ मैं मर गए तो क्या रहते मेरा लाश रहीते मेरे चमचे रहते मेरे लाश को मेरे चमचे शमशान में ले जाकर जलाते नहीं तो जंगल में फेंकते शमशान में जलाना बोल रहा हूँ पानी की जंगल में फेंके तो मेरे लाश को जमीन में मिल जाते नहीं तो जंगली जानवर खा लेते जमीन में मिलना बोल रहा हूँ जंगली जानवर खा हो मेरे हड्डियाँ बच जाते मेरे हड्डियाँ बज गए तो कंपनी वाले आके उठा के लेके जाते कंपनी वाले उसके फास्ट फूड पाउडर बनाते नहीं तो पानी लाने के साबुन बनाते फास्ट फूड पाउडर बनाना बोल रहा हूँ पान के पानी लाने के साबुन बनाए तो उससे मर्दवे भी नहाते औरत भी नहाते ना ना बोल रहा हूँ पान की औरतं नाए तो मेरे को शर्म आते रहे अच्छा तो ये जहन में रखिए आप कि इसको उर्दू बोलना नहीं आता बिल्कुल अब स्पीच के लिए बेचारे हाँ। को जबरदस्ती खड़ा कर दिए सही है तो वो किस में जे जे बोल दिया तो इस तरीके के हो जाते हैं अभी जैसे कि हैदराबाद का हमारे नवाबों की शान और शौकत तो पूरी हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया के हर जगह पे मशहूर है कि भाई इन लोगों का जो नाजुक मिजाज हुआ करता था अच्छा और इनकी नज़ाकत और इनका जो क्या मैं तो कहूँगा एटीट्यूड जो भी है तो उस तलुक़ से सुनाओ जब भी हम हैदराबाद के बाहर प्रोग्राम के लिए जाते हैं आप फिल्म बॉबी में वो गीत भी देखे होंगे साहब पहले आप पहले आप में गाड़ी निकल गई वो कुछ गाने में इस बोल का इस्तेमाल किया गया था तो दूसरी गाड़ी में दो नवाब हजरत सफ़र कर करें तो चाहूँगा मैं आपकी कि इनकी नाजुक मिजाजी का अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं आप पहले नवाब साहब शेर की एक लाइन कह रहे हैं मखमल की गालिन पे चलने से पैर मेरे छिलने लगे मखमल की गालिन पे चलने से पैर मेरे छिलने लगे दूसरे नवाब साहब दूसरी लाइन मुकम्मल करे और केला खाने से दांत मेरे हिलने लगे ये नाजुक मिजाजी और नज़ाकत क्या बात तो ट्रेन का इनका सफ़र ख़त्म हुआ अपने स्टेशन पे उतरे कूली को पकड़ा बोले जाओ अंदर दो बॉक्स ले आओ कुली गया ये जहाँ बैठे थे वहाँ देखा सारा कंपार्टमेंट छान मारा जी कोई बॉक्स नज़र नहीं आया आके बड़ी माजरत के साथ कहा कि भाई सरकार यहाँ पर कोई बॉक्सेस नहीं है आप साहब कुली का कान पकड़ के लेके गए दिखाए जानी साहब वाकई वहाँ पर दो बॉक्स थे एक माचिस बॉक्स था दूसरा सिगरेट बॉक्स था कुली वो उठाया इनकी गाड़ी में रखा तो ये इनकी शान शौकत और ये इनकी नाजुक मिजाजी अरे क्या तो मैं अपने अंदाज़ में ऑडियंस को समझाता हूँ कि हमारे नवाबों की ये नाजुक मिजाजी और ये शान और शौकत हुआ करती थी कि भाई माचिस बॉक्स सिगरेट बॉक्स उठाने के लिए भी ये लोग कुली का इस्तेमाल करें क्या बात तो बहर चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा जी बिल्कुल तो नाजरीन गुफ्तु का ये सिलसिला जारी रहेगा एक मुख्तर से वक्त के बाद आदाब हैदराबाद वक़े के बाद आप सभी का हम ख़ैर मकदम करते हैं आज हम बात कर रहे हैं कॉमेडी की दुनिया के वो बेहतरीन कलाकार जिनको आपने फिल्मों के अलावा स्टेज पर देखा और काफ़ी पसंद करते हैं सैद समदानी साहब ब्रेक से पहले खैर आपने करियर की इब्तदाई दौर की बातें बता रहे थे और किस तरह आपने इस जर्नी का आगाज़ किया था अभी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा दौर बदल गया और फिर टीवी आया उसके बाद आज यूट्यूब का चलन आम हो गया है सोशल मीडिया का तो उस लिहाज से मुझे ये बताइए कि ये जो हैदराबादी फिल्में बन रही थी अभी थोड़ा सा रुक सी गई हैं कोविड के बाद जी बिल्कुल और बनी सो फिल्में भी रुकी हुई मैं खुद चार फिल्में अभी हाल ही में जूनियर महमूद साहब का इंतकाल हुआ उनके डायरेक्शन में भी एक फ़िल्म आपने की थी जी तो बहरहाल उस शायद पब्लिक को ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके मीर की फिल्में हैदराबाद है में बन रही हैं या क्या वजह है पता नहीं बहरहाल पिक्चरें तो हैदराबाद में बहुत अच्छी बन रही हैं कॉमेडी भी होती है हैदराबादी लहजा लह भी होता है आपको तो बहरहाल फिल्म इंडस्ट्री तो सोई हुई है उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता लेकिन फ़िल्मों का वो दौर मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी फिल्म जब रिलीज होती थी तो हम लोग जाकर थिएटर में बैठ के देखते थे साहब और देखते ही नहीं थे इतना इन्जॉय करते थे कि आवाज़ें लगाया करते थे स्क्रीन पर फिल्म चल रही है तो वो डायलॉग के साथ हम उसके साथ इतने मतलब कि अपने आप को भी उसमें शामिल करके जो है इन्जॉय करते थे मिसाल के तौर पे आप फिल्म शोले देखे होंगे जी हाँ साहब शोले फ़िल्म में क्या है क्या, क्या कहानी क्या है साहब हाँ मैं मैं, मैं, मैं। आप मेरी नजर से शोबी देख क्या अच्छा बिल्कुल आप बताइए सीन चल रहा है अच्छा हाँ बसंती टांगे वाली अब सीन चल रहा है टड़ा 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 टांगे वाली मारी कोला चल धनू आज तेरे बसंती की इज्जत का स्वाद है क्या फेमस डायलॉग हुआ साहब ये डायलॉग आप सुने होंगे हाँ बिल्कुल सभी सुने जो शोले देखे पीछे बसंती को धनू भी डायलॉग बोली वो किसी ने नहीं सुना सिर्फ मैं सुना अच्छा क्या सुन आप पलट के उन्हें बोली बसंती को धनु जो घोड़ी का नाम था वो घोड़ी द... बसंती को बोल रही आगे चुबैट तेर को अपनी इज्जत की पड़ी मेरे पीछे भी तो बारह घोड़े आ रहे <laughs> अच्छा तो जब स्क्रीन पे इस किस्म के सीन होते थे तो हम इस कदर मतलब इंजॉय करते थे कि उसका जवाब भी देते थे अच्छा जैसा ये सीन चल रहा है तो मैं खुद पुकार के बोलता था अगर तेरे को अपनी इज्जत की पड़ी बस तो धनु के पीछे भी तो वारा समझा तो ये है शोले फिल्म है, मैं देखा तो वहाँ पर बहुत सारे जोक्स हो गए अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो जो है शोले फिल्म में जो है अब इसको पकड़ के लेके जाते हैं धनु को अच्छा एक तो साहब आप देखिए गब्बर सिंह साहब जिस एरिए में रहते हैं मतलब जो उनका पहाड़ों के बीच खुद तो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं ऊपर से आठ दस लोगों की ना बीवी ना बच्चे ना खाने का कोई ठिकाना ना कपड़े धोने का ठिकाना ना नहा रही ना धो रही के डाके मार रहे क्या, क्या जिंदगी गुजार रही है लोग ये लोग जो है पूरे पहाड़ों के ऊपर बंदूक ले लेके ठहरे में और खाने पकाने के नाम पे मैं देखा वहाँ पे एक ऐसी देखती लटकी हुई है साहब जो आप अपने घर में कचरे के लिए भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते वो लकड़ियों के ऊपर टंगी हुई नीचे से आग लग रही बोला साले इतने डाके मार रहे इतने लोगों की हाय बदवा ले रहे तो इनकी अपनी ज़िंदगी कुछ अच्छी इन्जॉय करेंगे उसके बाद देखिए साहब आपको और एक एक्सीन दिखाता हूँ मैं बसंती को पकड़ के लाते ज़बरदस्ती अच्छा बोला चलो अच्छा करे पंद्रह बीस लोग हैं कुछ तो एन्जॉय होना ना टी ना रेडियो ना गाने तो चलो ठीक है बेचारी नाची अब उन्हें नाचेंगी क्यों साहब उन्हें वीरू से मोहब्बत करती तो ये लोग ये होशारी करें कि वीरू को बन के डाल दिए अच्छा वीरू साहब बने हुए हैं वीरू साहब का कैरेक्टर धर्मिंदर साहब करें और जो है इन्हों नाचो इनका गुस्सा जायज है बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाच कुत्ता वफ़ादार होता है साहब बहरहाल चलो छोड़ो उन्होंने इनकी जान बचाने के वास्ते नाच रहे कम से कम नाच देख के एंजॉय करना क्या दिमाग है लोगों का शराब पी के शीशे फोड़ रहे साहब बिचारी नाच रही तो दरिंदगी की इंतजा देखी शराब दे। पी के शीशे फोड़ रहा बिचारी के पैर जख्मी हो गए तो नाचना तो दूर की बात है उसको लेके जाके को छोड़ना पड़ेगा आपको गोदी में ये हो गया अब और एक सीन बताता हूँ मैं आपको फिल्म का ए, शोले फिल्म का ही गब्बर सिंह साहब ठहर के अपने गिरोह से पूछ रहे कब होली कब होली कब होली कबे होली तो इतने बड़े बड़े डाके मार रहा दो रुपए का कैलेंडर खरीद के कोई चीज नाम की कोई चीज नहीं पूरी फिल्म में देखा साहब आंग को एक से दूसरा जोड़ा नहीं वो तो वो पेस्ट उस जमाने में पेस्ट बहुत कम यूज करते थे लोग मंजन वगैरह हुआ करता था हमारे हैदराबाद का फारूकी मंजन भी बहुत फेमस था <laughs> तो हाँ। दांतों पे इतना मैं सुबह का तो ये कोई ज़िंदगी तो ये फिल्म में होता है इज्जत लूटने का सीन होता था खास करके ये सीन पिक्चर शक्ति कपूर साहब पे होता था अच्छा शक्ति कपूर साहब स्पेशल स्पेशल काम के लिए उनको स्पेशल जो है बुलाया जाता शक्ति कपूर इज्जत लूट अरे शक्ति कपूर इज्जत करो जाके देखते थे यहाँ फाड़ो फाड़ो बोलो फाड़े तो ये अस्िल फड़ जाता था इतना तो वहाँ से हम आवाज़ लगाते थे थिएटर में से अरे यहाँ फाड़ा तो क्या करता है यहाँ करता क्या बहरहाल उस जमाने में अब वो डाकुआ भी जब आते थे हीरोइन के पीछे तो हम चीखते थे थिएटर में बैठ के अरे इधर भाग इधर गाँव है मगर उन्हें गाँव की तरफ नहीं स्क्रिप्ट शायद दिखा रहता राइटर के वो जंगल की तरफ भागना है उसके बाद वो सीन पिक्चराइजेशन करना है तो बहरहाल तो उस ज़माने में फिल्मों के हम ऐसे शौकीन थे कि इतनी गौरव फिक्र से फ़िल्म को देखते थे महसूस करते थे और उसके ऊपर अपने ख्यालात भी पेश करते थे यानी कॉमेडी किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं जी जी वो आपका जहन जाता था जी कि भाई जैसा आपने बताया ये चीजों पे लोग इंजॉय करते थे हंसते थे हाँ कमेंट्स, तो कमेंट्स बिल्कुल आप थिएटर में बैठ के कुछ ना कुछ ये, आप ये, बोल जाते तो यानी शुरू से ये चीज होनी चाहिए आर्टिस्ट में तभी जाके उन्हें अपना फन स्टेज पर पेश कर सकता है और लोग पसंद भी करते बिल्कुल साहब बिल्कुल हाँ जी तो वो ही, वो डॉन पिक्चर का गाना चल रहा था बड़े लोग उस ज़माने में इतने शौकीन हुआ करते थे कि कुछ लोग कागज़ें फाड़ के हम लोग स्कूल से जब जाते थे पट मार के तो एक रफ कापी फाड़ के जो है ऐसे उड़ाते थे वो करते थे तो डॉन का गाना चल रहा था क्या अरे दी वानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हु कौन मैं डॉन मैं डॉन अरे बोला भाई ये वो दौर है माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं एक अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं वो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पहचान रहे तेर को कौन पहचानेंगा रहे <laughs> तो बाज वक्त ऐसे ऐसे जुमले भी निकल जाते थे जो इंसान के जहन को झिंझोड़ते तो ये जुमले पे मेरे एक दोस्त ने मुझे बहुत मतलब मेरी हौसला अफजाई की मेरी तारीफ़ की कि भाई क्या सोचे यार आपने यानी कि आज के माहौल को जो है आप जहन में रख के जो है ये जुमला जो बोले भाई आज के दौर में कौन किसको पहचानता है साहब जानी साहब तो एक गानों के ऊपर मतलब हम इस तरीके से फिल्म को देखा करते थे महसूस किया करते थे नहीं देख देखिए वो दौर बदल गया सारी चीज़ें टेक्निक सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं तो उस लिहाज से आज का जो जनरेशन है जनरेशन गैप हम जिसे कह सकते हैं तो टेक्निकली भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और फिर उस तरह की स्टोरीज या कंटेंट उस तरह का नहीं आ रहा है और फिर लोगों में भी उतनी जैसा आपने बताया सुकून खत्म हो गया है। उस लिहाज से फास्ट बिल्कुल फास्ट हर चीज़ फास्ट 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 ये वजह से भी मैं समझता हूँ वो चीज़ें हमको बालाए ताक़ रखते हुए आगे निकलना निकलना होगा बिल्कुल बिल्कुल है ना बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोले जानी साहब क्योंकि वक्त आज हम जो मैं बातें कर रहा हूँ मैं आपका और खासकर तमाम नाजरन का शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे सुने क्योंकि ये बातें उस दौर के भाई आपका दौर ख़त्म हो गया हमको हमारे दौर में हमारी अपनी ज़िंदगी हमारी अपनी सोच चलने दो ये नहीं कि ये नई जनरेशन का ख़्याल है तो ये बातें बोलना भी बेकार है मगर आप मुझे बुलाए और बोलने का मौका दिए तो मेरे पास है क्या बोलने के लिए तो वही पुरानी यादों को अपने तरीके से ताज़ा करने की कोशिश किया। बिल्कुल नहीं ये प्रोग्राम का भी देखिए ये प्रोग्राम का भी मकसद यही है कि जो भी आर्टिस्ट अपने दिल की बातें बताना चाहता है अपने दौर की बातें या फिर आपने जो जो भी काम किया है इस प्रोग्राम के ज़रिए आप बता सकते हैं चलिए आपने जो हैदराबादी फिल्में की हैं उसके मुताबिक थोड़ा सा हमें बताएं पहली आपने जो हैदराबादी फ़िल्म की उसके मुताबिक बताएं पहली हैदराबादी फिल्म जानी साहब मेरी रही पैसा पोटी प्रॉब्लम अच्छा उसके बाद दूसरी फिल्म रही इजी मनी तो अच्छा। थिएटर मूवीज ओके उसके बाद टाइगर सुल्तान सो टाइगर सुल्तान करके तोफ़ी साहब मरहूम वो फिल्म तीसरी फिल्म थी और चौथी फिल्म मेरी आपके आ, वो कलर फोटो कलर फोटो फिर पांचवी फिल्म अफरा तफरी बोल के और एक मजाक मस्ती जूनियर महमूद साहब के डायरेक्टर बिल्कुल अच्छा जब दिर्णी जब दिर्णी आप इतने सारी फ़िल्में की हैं तो वैसे तो आपने बहुत सारे आ, वीडियोस भी किए हैं वीडियोस तो आ, मुझे ये बताइए कि सबसे बेस्ट कैरेक्टर आपको जो अच्छा लगा उस बारे में हमें बताएं अब देखिए साहब ये जो मैं फ़िल्मों का जिक्र किया हूँ मेरे को एक अच्छा कैरेक्टर क्या है मेरे को थोड़ा बड़ा लेंथी जिसे कहते हैं लंबा वाला ये कलर फ़ोटो में दिया गया जी कलर फ़ोटो में मैं हीरो के बाप का कैरेक्टर किया हूँ तो मेरा लड़का नौजवान बजाय कॉलेज जाने के फिल्में देखने चला जाता है कॉलेज को पट मार के मैं उसमें एक टेलर रहता हूँ तो फिर मैं उसको जो है समझाने की कोशिश करता हूँ प्यार से मार के फिर वो कॉलेज से निकाला जाता है फिर मैं उसको अपनी दुकान पर ले जाता हूँ कि कम से कम ये टेलर का, का काम तो भी सीख ले अगर वो फ़िल्मों की चक्कर में रहता है तो वो कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा जी हाँ वैसे भी फिर आपके इजी मनी पिक्चर थी उसके अंदर मैं एक बाबा का कैरेक्टर किया हूँ वो उसमें बाबा रहता हूँ मैं जो आ, मतलब भोले भाले अवाम को धोखा देकर जो है पैसे ऐटते हैं और उनको कुछ तावीज़ वग़ैरह फूफा करते हैं तो उस कस्म का किरदार था और एक तौफीक साहब की जो टाइगर सुल्तान थी वो सलम बस्ती के अंदर ए, का जो माहौल होता है यानी कि तालीम की कमी की वजह से बाप और बेटे में जो नोक झोंक हुआ करती घरेलू झगड़ा जो होता वो शायद दो सीन थे उसमें तो वो किरदार था तो सबसे अच्छा मेरे को ये आपके कलर फ़ोटो का एक कैरेक्टर कर, लगा है चलिए मान लीजिए अभी तो खैर हैदराबादी मूवीज़ कम ही बन रही हैं अगर ये फिल्मों का चलन फिर से आम हो जाए या फिर वो दौर पलट कर आएँ तो आप किस तरह का करेक्टर करना चाहते हैं क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है वैसे तो आपने मुख्तलिफ अलग अलग तरह के किरदार आर... मिला है काम करने का बहुत मौका मुझे मिला अल्लाह का करम है और वो नाजरीन जिन्होंने मुझे देखा और काम दिया उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन्हें भी थैंक्स करता हूँ अब कैरेक्टर साहब जानी साहब मेरे जहन में एक कैरेक्टर ऐसा है जो मैं करूँ कौमी याकजहती पर हिंदू मुस्लिम भाईचारगी पर ताकि मैं अपने मेरे जो भी देखें उनको ये पैगाम दे सकूं कि भाई एंटरटेनमेंट इंजॉय के साथ साथ प्यार मोहब्बत और देश की तरक्की के लिए हमें काम करना है आपस में मिलजुल के रहना है तभी जाके हम अपने आप की भी तरक्की करेंगे और हमारी अपनी तरक्की ही देश की तरक्की है आपकी खुशहाली ही देश की खुशहाली है तो ऐसी कोई कैरेक्टर जिससे आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारगी पैदा हो ऐसा कोई किरदार करने की मेरी ख्वाहिश है आपकी ख्वाहिश है बिल्कुल बिल्कुल वैसे समी साहब आपने राइटिंग में भी काफ़ी नाम कमाया है और बहुत सारे आपने प्ले लिखे हैं तो खैर देखिए अगर मान लीजिए फिल्में यानी हैदराबादी फिल्में नहीं बन पाती भी हैं तो आप एक काम कर सकते हैं आप स्क्रिप्टिंग के जरिए अपने करेक्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं और उस तरह का किरदार आप निभा सकते हैं शुक्रिया साहब मैं इन अब आप जो मशवरा दिए उसका कोशिश करूँगा इन क्योंकि आप बहुत अच्छे राइटर भी हैं और, और अलहमदिल्ला आपने बहुत सारे है। प्लेज है। लिखे हैं तो मैं चाहता हूँ कि भाई अगर सामने वाला अप्रोच नहीं भी किया है तो आप अपने तौर पे अपना कैरेक्टर खुद डिज़ाइन करें और ये आपकी जरा है साहब अगर यही काम शब्बीर भाई करते, <laughs> नहीं, तो हाँ, करते नहीं नहीं कोई तो, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं आप मायूस मत हो आपका वेट बढ़ गया है जी वेट तो गेन हो गया है आप जो है परहेज कीजिए इनशाला आपको जो है बिल्कुल स्लिम होने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी इनशाला करूँगा बिल्कुल करिए अच्छा नाजरीन हम आपको बता दें कि आपने एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर यूट्यूब चैनल यानी वाले दे हाँ, के लिए भी आपने बहुत अच्छा काम किया है दादी वाला कैरेक्टर तो वो दादी वाला कैरेक्टर के बारे में हमें बताएं जो हामिद कमाल साहब के साथ आपने हाँ। जो सीरीज की थी सब एक्चुअली वाह ये कि कैसेट का जो दौर था वहाँ पर हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पांच छः सात आठ कैरेक्टर कर लेते थे अच्छा नहीं लेकिन वहाँ मेरे कैरेक्टरों में एक बड़ी भी का भी कैरेक्टर था नहीं लेकिन समदानी साहब माजरत के साथ क्योंकि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ ऑडियो जो होता है उसमें जो आर्टिस्ट है वो दिखाई नहीं, नहीं देता सिर्फ आवाज़ के मॉडुलेशन के जरिए आप अपना फन बता सकते हैं बता लेकिन ये जो है आपको फिल्म हो या यूट्यूब चैनल हो उसमें तो आप खुद दिख जाते हैं तो उस लिहाज से जरा कठिन मामला है बिल्कुल बिल्कुल तो मैं वहीं पर आ रहा था तो वो जो कैरेक्टर मैं करता था मिमिक्री के जरिए उसमें से एक कैरेक्टर बहुत हिट हुआ बड़ी भी का तो उस किरदार को हमारे हामिद कमाल साहब मेरे को बोले कि भाई आप इसको वीडियो में करना है तो बाबाबा कॉस्ट्यूम सिलवा के वो वीक वगैरह लगा के वो करा मैं क्योंकि आवाज़ तो थी वो आवाज़ लोगों के जहनों में भी थी और उस किरदार को पसंद किया तकरीबन उसके 20 से 22 एपिसोड कुछ बनेगा हाँ पसंग बिल्कुल मैं इसीलिए तो याद किया तो चलिए वो नाजरीन को वो आइटम वो, मतलब वो बुड्डी वाला आइटमी वाला आइटम है वो थोड़ा वो, सा सुनाएं। बिल्कुल वो लतीफ़ा मैं आपको सुनाता हूँ खातिन की आदत होती है साहब उम्र छुपाने की ट्रेन में दो औरतें बैठी हैं आवाज़ से इनकी उम्र का अंदाजा लगाई आप एक खातुन दूसरी खातुन से आई आपा हाँ, कौन गुछ नही पापा नहीं आपा मैं बोल रही हूँ तुम्हारी उम्र क्या है हाँ मेरी उम्र देख अब ये 2024 आया तो मैं 18 साल की होती हूँ तुम्हारी क्या उम्र है हाँ मेरी उम्र देखो ये 2023 ख़त्म हुआ तो मैं 16 तो <laughs> साल की होती हूँ <laughs> ऊपर के वक्त पे बड़े मियाँ थे साहब उन्होंने नीचे गिरे दोनों का पुकारा शुरू हाय 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 आए आए हाँ गिरते जान जवान बच्चियाँ शरम आना अरे खामु बैठो मैं अब भी पैदा हुआ तो अच्छा है ये कैरेक्टर जो था आडियो कैसेट्स का तो ये आवाज़ को उन्होंने पसंद करके फिर एक दादी के कैरेक्टर में हमारे को काम दिया लेकिन एक चीज़ है समदानी साहब आपने बताया कि भाई ये जो कैरेक्टर था आडियो से आपने अडॉप्ट किया जी जी। और फिर लेंथी कैरेक्टर बना, बना। आ, तो आपको शूटिंग के वक्त कितनी मसाइल पेश आते हैं क्योंकि देखिए एक तो गेटअप चेंज करना अपने आप को ढालना फिर पूरी तरीके से बुढ़िया का रूप इख्तियार करना तो मैं समझता हूँ ऑडियंस वो देखकर काफ़ी इन्जॉय तो करती है लेकिन आर्टिस्ट के साथ क्या गुजरता है उस पर और कितनी मुश्किल होती है मेकअप और सारी चीज़ें उस बारे में बताएं उस बारे में बताता हूँ साहब मैं आपको बड़ी तकलीफ़ होती एक तो बूढ़ी का कैरेक्टर ऊपर से शर्मो हया वाली बूढ़ी साहब यकीन मानिए मेरे को कोट पैंट पहनना भी जान पे आता मैं तो फ्री रहना चाहता हूँ मैं तो ये चाहता हूँ कुर्ता पहने लुंगी पहने आराम से मगर वहाँ पर मुझे ओढ़नी ओढ़ना है पाउडर लगाना है लिपस्टिक <laughs> लगाना है वीक संभालना है ये तमाम चीज़ें तो बड़ी तकलीफ़ का काम है तो। और ऊपर से फिर मेकअप hmm. लेडीज़ का मेकअप वगैरह फिर गर्मियों के दिन आ रहे तो और तकलीफ़ और फिर उससे तो बहरहाल तकलीफ़ तो काफ़ी होती है मगर उस किरदार को उन्होंने पसंद किया और फिर उस किरदार को लेकर कुछ काम करना चाहे हमने वादा किया तो काम करें काम चला तकलीफ तो होती है तकलीफ तो होती है बेशक लेकिन आर्टिस्ट है आर्टिस्ट है करना, करना तो पड़ेगा करना तो पड़ेगा ये तो पापी पेट का सवाल पापी है। पेट का सवाल है बिल्कुल <laughs> तो बहरहाल आप यूं ही लोगों को हंसाते रहें गुदगुदाते रहें अपने आइटमों के ज़रिए अपने एक्टिंग के ज़रिए तो बहरहाल आखिर में चलते चलते जो नौजवान इसको अपने करियर के तौर पर चुनना चाहता है उन आर्टिस्टों के लिए आपका पैगाम क्या रहेगा पैगाम ये है साहब आपकी जस्तजु आपकी मेहनत आपके मुखदर मगर मेरा अपना तजुर्बा ये है कि इंसान जो मेहनत करता है जो कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको बेकार नहीं करते उसका फल कभी ना कभी उसको मिलता है अब देखिए अगर आपकी कोशिश में उतनी सच्चाई है और उतनी ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हैं तो इन दिन ज़रूर कामयाब होंगे लेकिन माहौल को देख के एक ही मशवरा देता हूँ कि जो चीज़ चल रही है उसके पीछे कोशिश कीजिए जैसे कि अभी थिएटर का दौर मेरे हिसाब से तो ख़त्म पर है अगर इसको भी करना चाह रहे हैं इस फंड को ज़िंदा रखना चाह रहे हैं तो बहुत खुशी की बात सराखों पे आपके सोच को रखता हूं मैं और ऐसे आपकी हिम्मत को और आपकी ऐसी सोच को सलाम करता हूं। मगर इसके साथ साथ रोज़गार के लिए कोई दूसरा तरीक़ा इख्तियार करते हुए बतौर इबादत या बतौर शौक़ इस फील्ड को अपनाइए बस आप इस पर डिपेंड मत रहिए वरना कहीं ऐसा ना हो कि इसके पीछे मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करा ये मत बोलिए क्योंकि स्टेज से हमको नाम मिला हमको ज़िंदगी मिली हम इसकी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं आप अपना कुछ भी रोज़गार का ज़रिया रखते हुए इसको बतौर शौक जारी रखिए अगर इसमें आपको इतना हो रहा है कि आप आसानी के साथ अपना गुजर बसर कर सकते हैं तो फिर आप प्रोफेशनल छोड़ सकें ये मशवरा है सही बात तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आए इतना वक्त दिया बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बताएं हमारे नाजरन के लिए अच्छे आइटम सुनाएँ थैंक यू वेरी मच हमदानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम दूरदर्शन यादगिरी चैनल देखने वाले नाजरीन दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी स्टाफ का भी मैं बहुत थैंक्स और उन्हें धन्यवाद कहता हूँ तो नाजरीन आज के लिए इतना ही ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी आप अपने दोस्त और होस्ट के भी जाने को इजाजत दें अल्लाह हाफिज।